नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में नगर निगम ने की कचरा गाड़ी में भगवान परशुराम की तस्वीर रखकर ले जाने का मामला गर्मा गया है। इस पूरे मामले को लेकर ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि भगवान परशुराम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में महापौर मालती राय माफी मांगे और कचरा गाड़ी में भगवान परशुराम की तस्वीर अपने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो समूचे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, नरेला विधानसभा में भाई मनोज शुक्ला जी ने भगवान परशुराम जी की जयंती पर चटआउट लगवाए थे खम्भों पर, जो नगर निगम की महापौर मालती राय के आदेश और मंत्री विश्वास सारंग के आदेश पर कचड़े की गाड़ी में ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम जी की तस्वीर को निकालकर कचड़े की गाड़ी में रखा जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय के आदेश पर किया जा रहा है। ये अपमान भगवान परशुराम जी का कर रहे हैं, कल नरेला के हर एक ब्राह्मण का करेंगे। इन बेरूपियों से सतर्क रहिए ब्राह्मण समाज। आज जो घटना भोपाल में घटित हुई है, कचरा गाड़ी जो कि नगर निगम की कचरा गाड़ी थी, उसमें भगवान परशुराम जी के जो चित्र लगे हुए थे उस चित्र को कचरा गाड़ी में रखा गया। मैं भोपाल की महापौर से मालती राय से यह सीधा सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि मालती राय जी, यह कौन सा न्याय है? ये कौन से धर्म की बात कर रही है आप ब्राह्मण समाज से तत्काल माफी मांगे और जो वहां पर जो कर्मचारी थे उनको तत्काल आप बर्खास्त करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन करेगा और यह आंदोलन जब तक नहीं थमेगा जब तक कि आप माफी नहीं मांगेंगी। यह चेतावनी नहीं है, यह आपको अभी समझाइश है। चेतावनी तो बाद में दी जाएगी और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।